यहाँ सोता हूँ ना एकांत में नींद बढ़िया से आती है। ये लोग वहाँ सोते हैं, अर्जुन और पंखा चल रहा है, अभी सो रहा है। तो आज गए नहीं है, रात ऑर्डर नहीं था, अब काम कम हो गया है। सभी के पास एक एक दो दो ट्रैक्टर मतलब ये रोज सभी के खड़े रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगी घंटे होने के बावजूद काम कम हो गया है। और जो मिस्त्री लेबर है जो वो थोड़े बहुत घर पे चले गए हैं अपने, क्योंकि बारिश की वजह से भी और महंगी घंटों की वजह से भी थोड़ा काम कम हुआ है ना, तो इसीलिए मतलब कि लेबर और मिस्त्री हैं जो अपने अपने घर पे चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में तो खर्चा तो डेली चाहिएगा और महंगा बहुत महंगा सिस्टम है सभी हर चीज़ का, तो इसीलिए थोड़ा सा काम पर अब फर्क पड़ेगा। सभी के साधन खड़े हैं, देखो। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 2:30 हो गई है, अलार्म बोला तो मैं उठ गया, और आज तो ऑर्डर नहीं था, आज ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो मतलब कि अब थोड़ा बहुत काम कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अब तो मैं सोऊंगा दोबारा से, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी में उठ गया कि भी चक्कर जाएगा, तो चक्कर रात को मैसेज आया था व्हाट्सएप, कैंसिल हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चक्कर ऑर्डर नहीं था, और यहाँ बन रही है दाल टम्पल भाई है और अर्जुन है। भाई भाई साहब के साथ क्या कर रहे हो? दाल दाल चावल भी बनेंगे। अरे वेरी गुड, बनाओ बनाओ, मैं तो देखता रहूँगा। भाई साहब के होते हो, मैं कुछ नहीं करता। हाय छोंका रेडी है, बनाएंगे दाल। रेडी, अभी खा रहे हैं, सबसे पहले मैं खाऊंगा। मतलब भाई साहब सामान लेके आए हैं, लक्ष्य के लिए घड़ी है, वो उसका पॉलिथीन ले उठा के, और ये जीविका के लिए है, नीचे चैन। ये कुत्ते हैं कपड़े वाले। अरे ये क्या, ये बढ़िया सामान है भाई, ये शुभ लाभ का है, ये तो घर वास्ते है कुछ टांगने के लिए। ये भाई पिस्टल ले आए, सुबह हमने लोड पड़ा है ना पिस्टल की। मूर्ख, ये मत दिखाया हमने। अरे इधर मत करा, इसने चक्कू वगे करेगा। ले भाई बच्चों का सामान, ये भी वो शुभ लाभ है, ये हर हर महादेव है। अपनी बाइक में रखो, वो सामान डालिए, ये शॉपनर है बच्चों के लिए, पेंसिल वाले शॉपनर है ये, बुढ़े की घड़ी है दिखाई ये, इस पर वो भी है डर, ये क्या बोलते हैं इसको यार, रबड़। अभी इस सामान को ना सारे को ऐसे के ऐसे डाल दे, नहीं तो क्लास लग जाएगी फिर। बढ़िया से सामान लेके आइए, डाल दे घड़ी वाली पुल। अंधेरा हो गया है, मैं सोया पड़ा था, और अभी उठा हूँ मैं 8 बजे में, कुछ मिनट बाकी है, 1 या 2 मिनट बाकी है, मैं 8 बजने में सोया हुआ, जाग नहीं आई। रामपाल भाई साहब, विक्रम भाई घर पे गए हैं,
क्योंकि ना काम बंदा ठंडा सा हो गया और विक्रम को तो 2 महीने के करीब टाइम हो गया था, दिन हो गए थे 2 महीने, और नंबल भाई साहब को भी 1 महीने से ऊपर नीचे ऐसे कुछ हो गया था, तो वो तो चले गए घर पे। मेला लगता है यहाँ पे कुंडल में बहुत, शिवरात्रि, आज शिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है आज, तो वहाँ मेला है, वहाँ मेले से सामान लेके आए हैं रामपाल भाई साहब बच्चों के लिए, वो सामान मैंने दिखाया है। और अर्जुन लेके पता क्या है, एक चक्कू लेके आया है, वो मैंने दिखाया है वीडियो में, बच्चों पर असर पड़ेगा तो मैं बता ही ले रहा हूँ, ये भी सावधानी है। मैंने तो भी बोल दिया था वीडियो एंड वीडियो बंद करके बोल दिया था, मैं अपनी औकात में रहना हो या अपना संभाल के अपने साथ में रखिए, फंसेगा तो कोई जिम्मेवार हम नहीं होंगे, सावधान उसको कर दिया है, ले तो आया कोई बात नहीं, तो तेरा शौक है तो अपना शौक घुसड़ जाएगा 1 मिनट में। और चक्कू खतरनाक चीज़ होती है, मतलब कि ये तो फिर मन में कुछ है उसके, ये बात तो मैं मतलब कि क्लियर कर रहा हूँ, तो मतलब कि जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। दिन में उठ नहीं पाया मैं, दिन में उठता तो वीडियो चांदने में प्रकाश में बढ़िया बन जाती है वीडियो, अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्वालिटी के साथ में, तो मतलब जानकारी आप लोगों के लिए यही कि भाई बच के रहें ऐसे आदमियों से, हम तो चलो कोई बात नहीं बराबर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और ताम जाम भी है हमारे पास तो देख लो होना अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसी कोई बात हो, हाँ धोखे से हो जाए काम वो तो एक बात अलग है। तो अपने बच्चों को भी यही मतलब कि अपने बच्चों के, आपके बच्चों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, शहरों में आजकल कमर में ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अर्जुन लेके आया है, ये चीज़ लगा मतलब कि डाल के कमर में घूमते हैं लोग बहुत सारे, मैंने कई बार कई बच्चों को देखा है, चंडीगढ़ में भी देखा था जब हम प्याज बेच रहे थे, वो भी हमारे साथ में थे, जो तत्व थे वो साथ में रखते थे। चलो कोई बात नहीं, अपने अपने शौक है, तो मतलब कि ये तो एक जुर्म करने का मतलब मन में इन्हेंस हो रहे, वो अपने आप को मतलब कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो ऐसा जब भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो केस लग जाएगा बढ़िया वाला। और जो प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट आप अपने साथ में हथियार रख रहे हो प्राइवेटली, अपनी प्राइवेसी को किसी के मतलब आगे शोर नहीं कर रहे हो, तो आपके मन में कुछ ना कुछ, उस बच्चे के मन में जो भी हथियार मतलब कि प्राइवेसी के साथ में रख रहा है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है, या कुछ करने का, या किसी को नुकसान पहुँचाने का, किसी के साथ में भी किसी भी तरह का भी है, वो फिर बदल जाता है आदमी, क्योंकि आदमी के अंदर गर्मी हो जाती है जब हथियार आपके पास है या आपके पास कोई भी नुकीली वस्तु है, तो अगर आगे कोई बंदा खड़ा है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास कुछ ना कुछ सामान है आपकी जेब में, आपकी कमर में, आपके पास कुछ भी है, आपके हाथ में हो चाहे हथियार, कुछ भी नुकीली चीज़ हो सकती है, हथियार ना भी हो तो मतलब कि गर्मी हो जाती है फिर उस बंदे में, तो वो अगले को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, अगर अगले बंदे ने कुछ भी एक्टिविटी लॉन्च करी तो वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो ये बहुत गलत बात है। और जो यूपी में है, यूपी में इन चीज़ों पर बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है, एक तो बल्कि यूट्यूबर हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, 3 स्टार हैं, तो मैं तो अभी नाम तो भूल गया, थोड़ा सा जुबान में वो थोड़े से ततलाहटपन है, थोड़े ऐसे बोलते हैं, तो वो डेली वीडियो बनाते हैं क्रिमिनलों की, कोई तलवार रख रहा है अपनी गाड़ी में, कोई हथियार रख रहा है, लाठी रख रहा है, तो जो हथियार अपनी गाड़ी में रखता है वो इनलीगल है बिल्कुल ही, उसका कोई प्रोसेस पुलिस नहीं बर्दाश्त करेगी बिल्कुल भी। तो आपकी गाड़ी में, आपकी किसी भी साधन में कोई भी किसी भी तरह का आप हथियार रख रहे हो, तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर हाँ कोई पुलिस वाला अगर आपको देखने के बाद भी छोड़ रहा है, तो वो बहुत गलती है पुलिस वाले की भी। तो यही जानकारी है आप लोगों के लिए, अपने बच्चों को संभाल के रखो, अपने बच्चे ये देखो कि भाई किन बच्चों के साथ घूम रहे हैं, किन बच्चों के साथ उनका आना जाना है, किन बच्चों के साथ उनकी दोस्ती है, कैसे वो बिहेवियर करते हैं, और जिस बच्चे को भी आप जानते हो, मतलब बच्चे को जानते हो कि भाई ये हमारे बच्चे का दोस्त है, तो उनके माँ बाप को भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जान पहचान अगर आपके बच्चे के साथ किसी के बच्चे की है, तो उसके माँ बाप को आपके आपको जानने का फ़र्ज बनता है कि भाई उस बच्चे को, उसके बच्चे के पेरेंट्स को आप मिलें कि भाई हमारा बच्चा ऐसे ऐसे आपके बच्चे का दोस्त है, तो आपकी जानकारी में ही बच्चे के पेरेंट्स होने चाहिए,
और आपको ऐसा कुछ गलत लगता है तो अपने बच्चे को समझाओ कि भाई ऐसे बच्चों के साथ ना लगे, ना चले, ना उठना बैठना करे, कोई बात नहीं। दोस्त है, दोस्ती आप टूटवा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप नहीं, बच्चे का दिल टूट जाएगा, टूटने दो। आप अपने बच्चे को सही लाइन पर रखो, तो मतलब कि किसी भी ख़राब तत्व के साथ अपने बच्चे को देखो तो तुरंत उस पर एक्शन लो, या फिर आपको स्कूल चेंज करना पड़े, आप स्कूल चेंज करो। आपको अपने बच्चे का बिहेवियर, मतलब कि किसी के साथ बिहेवियर गलत हो रहा है, बिहेव आदतें गलत हो रही है, तो उस बच्चे का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने निकालना है, हमारे जो भांजा है तो वो थोड़ा सा किसी दूसरे की वजह से उसकी बेचारे की ज़िंदगी में ही थोड़ी सी उथल पुथल हो गई, तो वो हमने हैंडल किया, हमारे जीजा ने, हमारे सिस्टर ने, हमारे जो भांजे हैं उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। उसको फिर अलग, मतलब कि स्कूल है वो गुरुकुल बोलते हैं, तो उसमें शिफ्ट कर रखा है। अभी एक साल होने वाला है, साल के करीब हो जाएगा, तो अभी छुट्टियों में घर पे आया हुआ था। थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है, सुधार में है, और वो दिल्ली रहते हैं। जो मेरी सिस्टर है बड़ी सबसे बड़ी हमारी सिस्टर है, वो दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली का माहौल तो आप लोग जानते हो, एक दूसरे को थोड़ी गलती हमारी भी होती है कि भाई हमारे, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों की, भाई आपके बच्चे का बिहेवियर देखो किस वजह से बदल रहा है, किसके साथ रहने से, चलने से, उठने से, बैठने से बदल रहा है, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, इन्हेंस हो जाता है, गलती हो जाती है। तो मिस्टेक्स हमसे ही होती है, इंसान से मिस्टेक हमेशा होती है, लेकिन उस मिस्टेक को, उस गलती को सुधारा जा सकता है। यही जानकारी आप लोगों के लिए है। अपने बच्चे का ख्याल रखें, उसको आप कहीं भी शिफ्ट करो अपनी मर्ज़ी के साथ, लेकिन बढ़िया तरीके से आप अपने बच्चे को मेंटेन करो। ये नहीं है कि भाई आप गलती अनदेखा कर रहे हो, कोई भी मिस्टेक बच्चा कर रहा है तो आप उसकी तह तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, उस बच्चे की तह तक पहुंचने की हिम्मत रखो। यही जानकारी दी। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ना भी करो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चे का सुधार बस हमेशा मेरी वीडियो ना, तो ये तो आपका फ़र्ज भी बनता है, अपने बच्चे को कैसे मेंटेन किया जाए अच्छे से। सभी चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चे का मेंटेन बढ़िया से करें। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, थैंक यू।